नमस्कार, मैं भाग्यश्री, बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियां। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका, लगातार महंगे पेट्रोल और डीजल के बाद एलपीजी सिलेंडर के बड़े दाम, और आम जनता को नहीं मिल रही महंगाई से राहत, जनवरी में बड़ी थोक महंगाई दर। अब ऐसे करदाताओं का माल एवं जीएसटी पंजीयन तत्काल निलंबित किया जा सकता है, जिनके बिल के रिटर्न यानी GSTR 1 फॉर्म और उनके आपूर्तिकर्ता के द्वारा दायर रिटर्न में बड़ा अंतर पाया जाता है। कर चोरी पर लगाम लगाने तथा राजस्व बचाने के लिए जीएसटी अधिकारी को अब यह अधिकार दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस बारे में मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। SOP के अनुसार GST अधिनियम का उल्लंघन का संकेत देने वाली खामियां पाए जाने की स्थिति में अधिकारी तत्काल करदाता का पंजीयन रद्द कर सकते हैं। करदाताओं को इस बारे में उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित किया जा सकता है। SOP में कहा गया है कि जिन मामलों में पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दायर रिटर्न और GSTR 1 में आपूर्ति की जानकारियों अथवा उनके आपूर्तिकर्ताओं के रिटर्न में दायर जानकारियों में बड़ा अंतर पाया जाता है, तो इन मामलों में पंजीयन रद्द किया जा सकता है। SOP के अनुसार जब तक पोर्टल पर फॉर्म पंजीयन 31 का समय पर सुचारू तरीके से काम उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक करदाता को GST पंजीयन फॉर्म 17 में इस बारे में सूचित किया जा सकता है। करदाता लॉगिन करने के बाद नोटिस व आदेश देखे टैब में इस बारे में नोटिस देख सकेंगे। कर चोरी करने के लिए GST अधिकारी पहले ही अपने प्रयासों को तेज कर चुके हैं। GST संग्रह पिछले 4 महीने के दौरान लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। जनवरी में GST संग्रह करीब 1,20,00,000 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा है। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। लगातार महंगे पेट्रोल और डीजल के बाद दिल्ली में रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर के दाम 4 फरवरी को 25 रुपए और 14 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह फरवरी में 2 बार गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। अब लोगों को बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 75 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए होगी। अब लोगों को बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 75 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए होगी। इससे पहले 4 फरवरी को तेल कंपनियों ने आपकी रसोई गैस LPG गैस सिलेंडर का दाम 25 रुपए महंगा किया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए, जिसके बाद गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत दिल्ली में प्रति सिलेंडर 719 रुपए में हो गई थी। अब दाम 50 रुपए और बढ़ गए हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार की बंपर ओपनिंग हुई। शुरुआती कारोबार में BSE का सेंसेक्स 52,000 रुपए के लेवल को पार कर गया। अभी सेंसेक्स 492.58 अंकों की तेजी के साथ 52,036.88 और निफ्टी 127.65 अंकों की छलांग लगाकर 15,290.95 के स्तर पर कारोबार करता है। आज बैंकिंग शेयरों में तेजी नजर आ रही है। आज सबसे ज्यादा इंडसइंड बैंक में 3% की बढ़त नजर आ रही है। कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI सभी हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। कारोबारी सत्र की आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। BSE की 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 12.78 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 51,544.30 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 15,163.30 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच आज सोना और चांदी की कीमत में भी उछाल दिख रहा है। MCX पर डिलीवरी वाला सोना सुबह के 11:55 पर 66 रुपए की तेजी के साथ 47,384 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। चांदी में इस समय भारी उछाल दिख रहा है। मार्च डिलीवरी वाली चांदी इस समय 838 रुपए की तेजी के साथ 69,951 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर, और मई डिलीवरी वाली चांदी इस समय 888 रुपए की तेजी के साथ 71,083 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। मार्च डिलीवरी वाली चांदी इस समय 834 रुपए की तेजी के साथ 69,951 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर, और मई डिलीवरी वाली चांदी इस समय 888 रुपए की तेजी के साथ 71,083 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत पर दबाव दिख रहा है। इस समय अप्रैल डिलीवरी वाला
का सोना $3 की गिरावट के साथ $1,820.20 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत तेजी है। इस समय मार्च डिलीवरी वाली चांदी $0.28 की तेजी के साथ $27.60 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। शेयर बाजार में इस समय बम्पर उछाल है। 30 शेयरों का इंडेक्स सेंसेक्स 553 अंकों की तेजी के साथ 52,098 के ऐतिहासिक स्तर पर और निफ्टी 50,141 अंकों की तेजी के साथ 15,304 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। आम आदमी को पिछले 24 घंटे के भीतर तीसरा झटका लगा है और महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। रविवार की रात से LPG के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आसमान छू रही है। ऐसे में अब जनवरी महीने में थोक महंगाई दर में भी उछाल आया है। सरकार ने आज थोक महंगाई दर का डेटा जारी किया है। जनवरी महीने में थोक महंगाई दर 2.03% रही, जबकि दिसंबर 2020 महीने में थोक मुद्रा फीसदी दर 1.22% थी। थोक महंगाई की बात करें तो यह एक साल के उच्चतम स्तर पर है। इससे पहले फरवरी 2020 को थोक महंगाई दर 2.26% थी, जो जनवरी के मुकाबले ज्यादा है। थोक कोर इन्फ्लेक्शन रेट 5.2% है। दिसंबर के महीने में यह 4.1% रहा था। इस तरह कोर इन्फ्लेक्शन रेट में भी तेजी आई है। इससे पहले जनवरी महीने के लिए खुदरा महंगाई का डेटा जारी किया गया था। जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 16 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। जनवरी महीने के लिए खुदरा महंगाई दर 6.06% है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4.59% रही थी, जबकि नवंबर में महंगाई दर 7.06% रही थी। जनवरी महीने में फूड इन्फ्लेक्शन रेट 1.89% रहा। दिसंबर के महीने में यह 3.41% रहा था। रिजर्व बैंक ने रिटेल इन्फ्लेक्शन का रेंज 6% तक रखा है। ऐसे में यह लगातार दूसरा महीना है जब रिटेल इन्फ्लेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे के भीतर है। RBI ने रिटेल इन्फ्लेक्शन को 4% रखा है, हालांकि 2% ज्यादा या कम का मार्जिन दिया है। इसका मतलब है कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% के बीच रिटेल इन्फ्लेक्शन को रिजर्व बैंक के दायरे में माना जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि इस बार वाहनों पर टोल वसूली के लिए फास्टैग लगवाने में कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 15 से 16 फरवरी की आधी रात से फास्टैग से टोल वसूली अनिवार्य कर दी है। फास्टैग को दो पहिया वाहनों से दूर रखा गया है। NHAI के हाईवे पर दो पहिया वाहनों पर टोल नहीं लगता है, लेकिन अगर आप कोई एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं तो आपको टोल देना पड़ सकता है। गडकरी ने नागपुर एयरपोर्ट पर कहा कि फास्टैग से टोल वसूली लागू करने की समय सीमा आगे भी बढ़ाई जाएगी। बिना फास्टैग वाले या निष्क्रिय फास्टैग वाले वाहनों से जुर्माने के तौर पर 2 गुना टोल वसूला जाएगा। वाहन चालकों को तत्काल ई पेमेंट सुविधा का उपयोग शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे रास्तों पर 90% तक फास्टैग पंजीकरण हो चुका है। फास्टैग सभी टोल नाकों को उपलब्ध है और लोगों को इसे खरीदना चाहिए ताकि वे बिना रुकावट वाले यातायात का मजा ले सके। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने भी रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सोमवार मंगलवार की मध्यरात से 100% फास्टैग लिंक कर दिया जाएगा। फास्टैग से टोल वसूली को 2016 में लागू किया गया था। इसके बाद विभिन्न चरणों से गुजरते भी 1 दिसंबर 2019 से सभी वाहनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन तब से यह समय सीमा बार बार बढ़ती रही है। इस बार केंद्र सरकार ने पहले 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य करने की घोषणा की थी, बाद में इसे बढ़ाकर 15 फरवरी तक दिया लगाया गया था। इसके चलते बहुत सारे लोग अब भी इस समय सीमा के आगे बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका, लगातार महंगे पेट्रोल और डीजल के बाद LPG सिलेंडर के बड़े दाम और आम जनता को नहीं मिल रही महंगाई से राहत। जनवरी में पड़ी थोक महंगाई दर। BCN न्यूज के बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।